हाँ जी, क्या नाम है आपका? जयदीप। जयदीप जयदीप नाम है। जयदीप कहाँ से आए? सोनीपत, हरियाणा से। हरियाणा से? किसान का बेटा हूँ। किसान के बेटे? तो देखिए, यहाँ पर तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये किसान नहीं है, ये तो इनको पता नहीं कहाँ। देखिए, फिलहाल क्या है कि कई मंत्री हैं, कई विपक्ष के लोग भी हैं और कई बड़े नाम भी सामने आए। आप जानते होंगे शायद, मीडिया से आप भी मुखातिब रहते हैं, कि वो कहते हैं भाई ये तो इनकी फंडिंग पता नहीं कहाँ से हो रही है, इतना पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है, यहाँ तो सारी सुविधाएं मिल रही है। तो आप कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, तो आप बताइए कि क्या सच्चाई है? ग्राउंड लेवल पर हम आपसे पूछना चाहते हैं। हम वोट देके सरकार को बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? हमारा काम करेगी। सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। फॉरेन रिलेशन कौन देखता है? बीजेपी। फंडिंग कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है, ये बोल रहे हैं ना। कौन रोकेगा? बीजेपी रोक ले फिर। फॉरेन रिलेशन कौन देखता है? रोक ले। ऊपर से क्या बोले? खालिस्तानी पाकिस्तानी। उखाड़ लो, क्या उखाड़ना है, पीट लो ना, मारो गोली। अगर कोई है निकल जाए तो कर लो ना काम, एग्जीक्यूट कर दो उसको। देखिए, मैं आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे खालिस्तानी बोल रहे हैं ना, अगर हम खालिस्तानी हैं ना, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ आपको ना। जब 60 के डिकेड से पहले ना, इंडिया फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट नहीं था, यूएसए से इंपोर्ट करता था गेहूं और चावल। फिर क्या हुआ, 62 में चाइना से साथ हमारा युद्ध हुआ, हम हार गए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आर्मी थे, नेहरू जी ने नहीं रखी थी, क्योंकि वो नॉन अलाइड मूवमेंट के साथ चल रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे। चल वो अलग पॉइंट है। तो हमारे जवान भी हार गया था, किसान भी हार रहा था। 1964 में फैमाइन आया था बंगाल में और पूरे इंडिया में लाखों लोग मर गए थे। सीमा पे जवान आ रहे थे, खेत में किसान आ रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान, ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उसके बाद क्या होगा, बफर स्टॉक के जो नॉर्म होते हैं ना 40 मिलियन टन, आज हमारे पास 78 मिलियन टन है, इन खालिस्तानियों की वजह से या आतंकवादियों की वजह से। ठीक है, कितनी बढ़िया बात इन्होंने कही है कि अगर खालिस्तानी आपको लगते हैं तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? और दूसरी बात, अगर आप फंडिंग की बात करते हैं तो फंडिंग का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वो विभाग किसके हाथ में है? जाहिर है कि वो सरकार के हाथ में है। अगर सरकार को लगता है कि वो गलत है तो आप बंद कर दीजिए, इस पर कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, एक MSP पे कानून बना दो। क्या होता है MSP? होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हम दुकान पे जाते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस देते हैं, वहाँ हम मैक्सिमम देते हैं, यहाँ हम मिनिमम मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आती है जो 2005 में 5 रिपोर्ट आई थी, फार्मर कमीशन भी बोलते हैं उसको। तो उसने क्या बोला था कि एक C2 होगा, उस C2 पे ना एग्रीकल्चर जो होगा ना, C2 की कोस्ट पे MSP लागू होगा। एक A2+FL होता है, A2 होता है जितनी लागत होती है खाद बीज पानी, +FL फैमिली लेबर। इंडिया में A2+FL पे MSP दिया जा रहा है, C2 पे नहीं दिया जा रहा। बोला क्या था कि C2 पे दिया जाएगा। तो बात क्या कि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस MSP ना जो वो C2 पे लागू होता तो MSP होता, मिनिमम होता। ये तो मिनिमम का भी मिनिमम है, कम से कम है, वो भी नहीं मांग रहे। ऊपर से बोल रहे हैं कि प्राइस डिस्कवरी होगी, समझ रहे ना, खोल देंगे मार्केट को। 1991 में एक इकोनॉमी को खोला गया था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। उसका नतीजा है आज हमारे देश में कि 1% लोगों के पास देश का 60% धन है, 10% लोगों के पास देश का 80% धन है। तो उस इकोनॉमी पॉलिसी की वजह से वही मोमेंट इसके लिए बता रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं ये कि इकोनॉमी खुल जाएगी, इसको प्राइस डिस्कवरी होगी, कहीं भी बेच सकता, लंदन में, अमेरिका में। इंडिया में 85% स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर हैं जिसके पास 2.5 एकड़, 2 एकड़ से कम है, 5 एकड़ से कम जमीन है। 70% किसान इसके हैं जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, एक ट्रॉली भर के तमिलनाडु बेचने जाएगा, कितनी कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्ट की, या लंदन बेचने जाएगा, समझ रहे हो ना। ऊपर से क्या बात है कि 2-4 डॉक्टर हैं, एक तो WTO, एक वर्ल्ड बैंक, एक IMF, वो डॉक्टर हैं जो भी प्रस्क्राइब करते हैं ना, डॉक्टर जो भी देता हो, खाते हैं गोली गाली हमारे वहाँ, यहाँ पे हो रहा, क्यों अपना तो दिमाग लड़ाते नहीं, गोबर मूत्र खाते रहते हैं, समझ रहे हैं ना। महाभारत काल में इंटरनेट की खोज हुई थी, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी होगी फिर तो, है ना, होगी फिर तो बोल रहे हैं, तो आइंस्टाइन ने ग्रेविटी की खोज की थी, समझ रहे हो। अच्छा, ऐसी ऐसी बातें हैं, मतलब ये बात करते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर मार्केट को खोलने से एग्रीकल्चर का उत्थान होता, मतलब उन्नति होती, तो अमेरिका में एक फार्मर को एनुअली, फिर अगर आप फार्मर्स के उत्थान की बात करें, अगर मार्केट को खोलने से नहीं होती तो फिर कैसे होगी? बोला ना, मिनिमम दे दो,
मिनिमम मांग रहे, मैक्सिमम तो नहीं मांग रहे, कम से कम मांग रहे। ये देखे ऊपर से जो जिसको इंडस्ट्री लगानी है, जिसको देश खरीदना है बेचना, बेचते रहो, हमें मिनिमम दे दो। आप अंबानी को लाना है, अदानी को लाना है, वालमार्ट को लाना है, ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। किसो मार्केट को खोल दो। देखिए एक बात और यहाँ पर नजर आ रही है कि वो कहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी दे दीजिए कि अगर वो हमें मिलेगा तो उसके बाद अनाज कहीं भी जाए। लेकिन बात फिर वही है कि जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट जारी हुई और उसके वादे जो हैं वो वादे नहीं रहे, तो इसमें आपको क्या लगता है, क्या ये बात आपकी मानी जाएगी? मानी नहीं। स्वामीनाथन रिपोर्ट को आपको लगता है कि पूरी तरह से लागू की गई? पूरी तरह से आज किसी ने आज तक नहीं की है। उसकी डिमांड, उसकी तो एक सपना है, वो लागू होगी तो कम से कम रोटी मिल जाएगी हमें। रोटी नहीं मिल रही देश में, नेशनल क्राइम। मोदी जो तो कहते हैं ना कि स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू करी। हाँ बोल रहा हूँ ना, वो C2 पे नहीं की ना, A2+FL पे की। मैं क्या बोल रहा हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आती है, उसमें 12,500 एनुअली किसान सुसाइड करता है। तो इतने धना सेट होते तो किसान करते नहीं सुसाइड। ऊपर से क्या है कि मतलब एग्रीकल्चर को खोलने, क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में एक किसान को एनुअली 45 लाख रुपये सब्सिडी दी जाती है, इंडिया में कितनी दी जाती है, 20,000। तो वहाँ तो मार्केट खुली है, कैपिटलिस्ट मॉडल है, पूंजीवादी व्यवस्था है। यहाँ पे क्या है कि नेहरू जी ने बोला था समाजवाद लागू, गांधी जी ने वो बोला था सोशलिज्म, समाजवाद, भगत सिंह तो सोशलिज्म ही है, और क्या है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये तो हमने आंकड़ों में समझ लिया और डीपली जाके समझ लिया है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट भी अभी ढंग से लागू नहीं हुई और एक और वादा कर दिया गया, तो MSP पे अभी इंश्योरेंस नहीं दी गई, उसके बाद वो होगी या नहीं होगी बात की बात है। सरल शब्दों में समझे तो मैं आपको एक चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको कहता हूँ आप ले लीजिए। आप नहीं समझ गया मैं, आप क्यों नहीं ले रहे? जैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, मैं अपने आप नहीं, घर नहीं बना के लाया इसको, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट, फॉर द कैपिटलिस्ट। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। देखिए फॉर द कैपिटलिस्ट, बाय द कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट के लिए ही सरकार का सारा जो है जोर लग रहा है और सरकार हर तरह से कोशिश कर रही है। एक पॉइंट कहना चाहता हूँ जी, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम तो ठान के आए हैं, एक महीना से ऊपर हो गया है, दर्जनों हमारे किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। मैं रिपोर्ट लगातार देख रहा हूं, हम हटने वाले नहीं है, मर जाएंगे मिट जाएंगे। और क्या है, जमीनें दांव पे लगी हैं, क्या खूब कर तरक्की कर रहा है मेरा देश, खेतों में बिल्डर सड़क पर किसान खड़ा है। ये मॉडल चाहिएगा हमें, ऐसा नहीं होने देंगे हम, कुछ भी हो जाए। डिवाइड एंड रूल की बात करता हूँ मैं, कभी एस ऑयल का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी आतंकवादी पाकिस्तानी खालिस्तानी बोल रहे हैं। एस ऑयल जब हमारे पास पानी जमीन नहीं रहेगा तो पानी का क्या करेंगे, नहाएंगे उससे? पानी किस लिए चाहिए एस ऑयल? नदी का पानी तो खेती के लिए चाहिए। दूसरी बात, चल ठीक है एस ऑयल 1966 में हरियाणा बना था, 1977 में डिसीजन आ गया था कि 214 किलोमीटर की एस ऑयल कैनाल बनानी है, 91 किलोमीटर हरियाणा में, 122 किलोमीटर पंजाब में। हरियाणा ने 1980 में पूरी कर ली थी, आज तक कौन नहीं कर लागू करवा, क्यों नहीं करवा आपने? 1998 से 2004 तक बीजेपी की सरकार रही, 2014 से आज तक 12-14 साल तो गया कम से कम, इतना टाइम लगता है क्या? एक महीने में काम हो जाएगा। ऊपर से डिवाइड एंड रूल पर एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहतीदारों का क्या होगा? सीखी गंगा भी पानी है, अब ये जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, अब पानी का मजब क्या होगा? उन फिर का प्रश्नों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हवा में सांस सब की, क्या हवा भी नहीं बनाओगे? नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रेबर काम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी? क्या बात है। तो ये क्या नाम है आपका, दोबारा से भी नाम बता? जयदीप नाम है मेरा। जयदीप कहाँ से? मैं सोनीपत से हूँ, पढ़े लिखे हैं जी, कोई एक नुमाइंदा आके बात कर ले, डिबेट कर ले। जयदीप हमारे साथ है, सोनीपत से है, किसान के बेटे हैं और काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हवाई बात नहीं चल रही यहाँ पर, और आप मेरी बात समझिए, ये हरियाणा के किसान है और ये किसान है जो रोटी आप खाते हैं ना, वो ये अनाज उगाते हैं तो आप तक पहुँचती है। और कहना चाहूंगा मैं, जैसे दो कानून है वो तो किसानी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, लेकिन तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, उसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया है, उसमें स्टॉक लिमिट होती थी और हटा दी गई है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि किसान है, ये तो पंगे कर रहे हैं, रोड रोक के बैठे, ये इससे तो उनकी जेब पर भी असर पड़ेगा। जो रोटी खाता है ना इस देश में, उसकी जेब पर असर पड़ेगा। 20 रुपये में प्याज खरीद के 200 रुपये किलो बेचेंगे, ये स्टॉक लिमिट हटा दी ना, मैं पैदा करूंगा क्या? वो बोल रहे हैं कि किसान अपने घर में स्टोर कर सकता है। किसान के बारे में कहावत है, किसान के बारे में किसी ने कहा है कि छत छत टपकती है उस किसान की,
लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है, समझ रहा है, उसके उसके सिर पे छत नहीं है, वो फसल को स्टोर करेगा, 6 महीने कर्जा लेके किसान फसल पैदा की है, इतना पैसा कहाँ लाएगा, ब्याज, समझ रहे हो, ये हवाई फायर हैं जी जी जी, तो काम की बात नहीं हो रही, बकवास कर रहे हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें पानी बिजली इन पे बात क्यों नहीं करती। देखिए साफ साफ कहना है कि जितनी भी बातें जितने भी मुद्दे सरकार कहती है और चुनाव में इनको उठाती है, लेकिन उन पर काम नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, ये सोचने का विषय है, और जाहिर से कि ये आपको सोचने का विषय है, आप खुद सोचें एनालाइज करें कि आखिर क्या रीज़न है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जनता लगातार कंप्लेंट करती है लेकिन फिर भी सरकार की कान पर जू नहीं रेंगती। आज 37 दिन हो चुके हैं, देखिए नया साल है और नए साल पर हम भी फिलहाल किसानों के साथ हैं, क्योंकि हमारा को भी लगता है कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जब अन्नदाता रोड पर है तो हमारे चैनल को भी रोड पर होना चाहिए, नए साल को रोड पर होना चाहिए, हमें भी पता चले कि आखिर वो कैसा महसूस करते हैं, हमें भी पता चले कि वो कैसे, हम भी जा सकते थे कहीं घूमने, लेकिन आज किसानों के बीच इसलिए हैं क्योंकि जानना चाहते हैं कि कैसा लगता है जब अपना घर छोड़कर आप नया साल सड़क पर बिता दें।